हेलो स्टूडेंट वॉटनी आफ्टर क्लास एम जी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन तो मैंने ना भूलें कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए काफी बच्चे परेशान है कि सर सी टेट का आंसर की जारी हो गया, आप उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो बच्चे नए एग्जाम दिए मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया 21 जनवरी 2024 को उसका आंसर की जारी कर दिया गया, लेकिन वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे, और अगर कुछ बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया है तो वो उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि भाषा और इसमें मेन पेपर MNOP 4 सेट हैं, वो कैसे देखें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो देखिए डिटेल में बात करेंगे आज कि कैसे आपको आंसर की देखना है और कब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब आएगा इसका रिजल्ट। काफ़ी बच्चों का यही कमेंट रहता है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो बात कर लूँ पहले मैं इसकी रिजल्ट की, तो देखिए DSSSB TGT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और BPSC 6-8 उसमें भी CTET और DSSSB में भी TGT में CTET कंपलसरी है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन खत्म होने से पहले ही, जो अभी निकले हैं नोटिफिकेशन इनकी खत्म होने से पहले ही इसका रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा CBSE के अकॉर्डिंग, कि जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन तभी बच्चे भर सकते हैं क्योंकि उसमें कंपलसरी है। अब बात कर लें कि हम इसे देखना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले बात करूं मैं तो 1-90 तक तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 1-90 तक क्वेश्चन का देखिए आंसर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और सबसे पहले अगर बात करें कि साइंस वालों की, तो साइंस वालों का पहले ही पेज है, ये साइंस की दिख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे नीचे देख लेंगे आप सोशोलॉजी है जो SST है, बाकी नीचे सब दिख रहे हैं। बाकी पेपर में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भाषा, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है कि भाषा को कैसे चेक करना है, कि भाषा में आपको देखिए भाषा 01 हिंदी, 02 हिंदी, उसके बाद में 01 इंग्लिश, 02 इंग्लिश, ये काफ़ी कंफ्यूजन में होता है। तो काफ़ी बच्चे तो इसी में परेशान हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दिए हैं कि सर ये बता दीजिए ये कैसे सिंपल मतलब कैसे समझ में आएगा। तो इसका लिंक तो मैंने आपको PDF दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब आप लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था 1-90 तक कॉमन क्वेश्चन है वो आप देखिए, 188 पेज हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए शब्द से देखिए आपके समझ में सब आ जाएगा। बाकी मैं स्टेप बाई स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे आपको देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए बात करेंगे हम भाषा की, तो भाषा में अगर बात करें इंग्लिश की, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश भाषा में आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले सेट देख लीजिए आप, MNOP 4 प्रकार के सेट हैं आपको 1-90 तक, मैं आपको बता दिया पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1-90 तक आपको कॉमन देखना होगा सबसे पहले। बाकी सेट आप देख लीजिए कि आपका सेट कौन सा था, ठीक है, उसी सेट के अकॉर्डिंग ही आप आंसर की को मिला पाएंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए हैं, ये चारों सेटों में से पहले अपना सेट देख लीजिए कौन सा सेट है, उसके बाद ही आप सही आंसर बता पाएंगे, मतलब सही आंसर अपना लगा पाएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका जो भी जैसे कि माना मैंने आपका एम सेट है, तो आप एम सेट के अंदर ढूंढेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे भाषा कौन सा था, भाषा का अगर 01 इंग्लिश है तो आपको देखने होंगे 91 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है, ध्यान से सुनिए, भाषा अगर 01 इंग्लिश है तो आपको 91 से 120 तक देखना होगा। ये देखिए आप इसी में बस त्रुटि ना करें, मैं आपको बता दूं 91 से 120 हिंदी इंग्लिश भाषा, भाषा इंग्लिश 01 91 से 120 तक। अब बात करेंगे अगर आप भाषा 02 इंग्लिश, भाषा 02 इंग्लिश तो उसमें कितना देखना है, तो देखिए आपको 121 क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अब मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक, भाषा 02 इंग्लिश 121 से 150 तक आपको देखने होंगे, तो अब आपके आंसर आपके सटीक हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको बता दूं अगर हिंदी भाषा की बात की जाए, तो भाषा 01 हिंदी की बात की जाए तो उसमें भी आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो बताया जा रहा है नंबर आप याद देखिए, ध्यान रखिए आप नंबर कैसे देखना है आपको। अब देखिए सेम इसी में जैसे मैंने बताया था भाषा इंग्लिश में बताया था, उसी तरह भाषा 01 हिंदी की बात करें तो 91 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिखेगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर की है वो 91 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर हिंदी 01 हिंदी में देखना है आपको। अब अगर बात करें भाषा 02 हिंदी की तो उसमें क्या है आपको वही इंग्लिश जैसा जैसे कि आपको देखना था 121 क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक, सिंपल है बस ये आपका अगर समझ में आ गया भाषा को कैसे देखना है तो आप आराम से अपनी आंसर की को देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा, बाकी जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि DSSSB TGT का नोटिफिकेशन आ चुका और BPSC 6-8 में भी CTET कंपलसरी है। तो जल्दी इनके नोटिफिकेशन खत्म होने से पहले पहले उम्मीद करते हैं कि CBSE की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया, बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।